आज गुवाहाटी में लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने संवाददाताओं से बातचीत की, साथ ही साथ मोदी सरकार पर निशाना साधा। गुवाहाटी के राजीव भवन में असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई के बेटे लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने संवाददाताओं से बात करते हुए मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एनआरसी और सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेकर मोदी सरकार को घेरा। नागरिकता संशोधन ये जो आयन है, इसके ऊपर हमारा स्थिति पहले दिन से ही स्पष्ट है। राहुल गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि अगर सत्ता में कांग्रेस आएगी तो इस बिल को ख़त्म करेगी। आप लाहा कि अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन इस बिल का विरोध हम पहले भी कर रहे थे, आज भी इसको बिल का विरोध करेंगे, क्योंकि ये बिल भारत के संविधान के खिलाफ है। ये बिल भाजपा के लिए सिर्फ एक राजनीतिक अस्त्र है कि वो समाज में कैसे बंटवारा करे। वो आसाम के हित के बारे में नहीं सोचते, असम की आज बढ़ती हुई आबादी के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ इस बिल के द्वारा अपना राजनीतिक स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं, और ये कतई हम होने नहीं देंगे। क्यों नहीं उठेगी? आज पार्लियामेंट में, पिछले पार्लियामेंट सत्र में नौगांव पेपर में, क्योंकि कांग्रेस का सांसद नौगांव से नहीं थे उस समय, मैंने कोल्हापुर के सांसद के हिसाब से और सुष्मिता सिलचर लोकसभा सांसद के हिसाब से, हम दोनों ने नौगांव पेपर मिल और काचार पेपर मिल की बात हमने उठाई थी। बार बार केंद्र सरकार हमको झूठे आश्वासन देते गए, लेकिन अब इस सरकार के पास और कोई चारा नहीं है। इन मिलों में जो हज़ारों परिवार हैं, जो आज अपने बच्चों को देखभाल नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रहे, इन परिवारों के लिए हम आने वाले समय में भी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। एनआरसी को लेके ये सरकार सीरियस नहीं है। बार बार सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी आ रही है, पर ये एनआरसी को लेकर ये सीरियस नहीं है। हम चाहते हैं कि एक फुल और फाइनल एक्यूरेट एनआरसी जल्दी हो, और जो भी भारतीय नागरिक आज एनआरसी में नहीं है, उनको एनआरसी में शामिल होना चाहिए। देखिए, ये लोकसभा चुनाव जनता का जनमत है, जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ को हम स्वीकारते हैं, और हम आने वाले समय में विपक्षी दल के हिसाब से एक सकारात्मक हमारी भूमिका रहेगी।